पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में 11 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान हुई हिंसा पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने बुधवार सुबह फैसला सुनाते हुए त्रिपुरा वेस्ट सीट के 168 पोलिंग बूथों का मतदान रद्द कर दिया है। अब इन सभी बूथों पर 12 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने हवाला दिया है कि यहां मतदान के दिन हुई हिंसा से वोटिंग प्रभावित होने का डर है, इसी वजह से ये कदम उठाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बताया कि 12 मई को जब देश में छठे चरण का मतदान हो रहा होगा तभी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा। बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण में इस सीट पर मतदान हुआ था और कुल 81.8% वोट डाले गए थे। गौरतलब है कि त्रिपुरा हमेशा देश के उन राज्यों में शामिल रहा है जहाँ पर बंपर मतदान होता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक आते आते नेताओं का एक दूसरे पर हमला तेज हो गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और उन्हें औरंगजेब का आधुनिक अवतार बता डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले रोज नया झूठ गढ़ते हैं और फर्जी प्रचार करते हैं। संजय निरुपम ने तब तंज कसते हुए कहा कि बनारस के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना है वे औरंगजेब के आधुनिक अवतार हैं, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़वाया गया। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर 550 रुपए की जो फीस लगाई गई है वे इस बात का सबूत है कि वो काम औरंगजेब नहीं कर पाया, वे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को दुर्योधन कहे जाने को उचित ठहराते हुए संजय निरुपम ने कहा कि मैं तो उनको औरंगजेब कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जितना अहंकार दुर्योधन और रावण में भी था। और प्रियंका गांधी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के जरिए बताने की कोशिश की कि जब दुर्योधन और रावण का अहंकार टूट गया तो अब किस खेत की मूली हो। भारत दौरे पर आए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत अनुचित व्यापार नीति अपना रहा है और उसे भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के मार्ग में आ रही बाधाओं को कम करना चाहिए। रॉस ने यह उम्मीद जताई कि नई सरकार इन मामलों का समाधान करेगी। अमेरिका चाहता है कि यहां पर काम कर रही उसकी कंपनियों के लिए भारत व्यापार करने और आंकड़ों के स्थानीय रूप से रखे जाने के संदर्भ में बाधाओं को कम करे। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, हम चाहते हैं कि यहां पर काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के लिए बाधाओं को दूर किया जाए। इसमें आंकड़ों को स्थानीय रूप से रखे जाने की पाबंदी का मुद्दा भी शामिल है। इससे वास्तव में आंकड़ों की सुरक्षा कमजोर होती है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने मंगलवार को अलग अलग ट्वीट कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा। सुषमा स्वराज ने एक तरफ प्रियंका गांधी को मनमोहन सिंह सरकार की याद दिलाई और कहा कि राहुल गांधी ने कैसे अध्यादेश फाड़ कर फेंका था, तो दूसरी ओर उन्होंने ममता बनर्जी को बशीर भद्र का एक शेर याद दिलाया और राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की बात की। प्रियंका गांधी को संबोधित करते हुए अपने पहले ट्वीट में सुषमा स्वराज ने लिखा, प्रियंका जी आज अपने अहंकार की बात की है, मैं आपको याद दिला दूं कि अहंकार की पराकाष्ठा तो उस दिन हुई थी जिस दिन राहुल जी ने अपने ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते हुए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को फाड़ कर फेंका था। कौन किसको सुना रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में सुषमा स्वराज ने ममता बनर्जी को जवाब दिया और लिखा, ममता जी आज आपने सारी हदें पार कर दी, आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कल आपको उन्हीं से बात करनी है, इसलिए बशीर भद्र का एक शेर याद दिला रही हूं, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर वाराणसी से उनका नामांकन पत्र खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने की मंशा से उनका नामांकन पत्र रद्द किया गया। अब तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 पेज का हलफनामा दायर किया है। उसमें उन्होंने राफेल डील पर दिए गए अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। हलफनामा दाखिल करते हुए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि अब अवमामला मामले को बंद कर देना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में शेरो शायरी से विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा है, इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। हालांकि सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी को न तो गधा कह रहा हूँ न ही घोड़ा, इस चुनाव में जनता को तय करना है कि कौन गधा और कौन घोड़ा है। गडकरी ने मंगलवार को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के खिसमी स्थित PNM कॉलेज में मैदान में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफों के पुल बांध दिए। पिछले साल 5 आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में झारखंड के एक स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को एक मिशनरी स्कूल के प्रमुख और 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि अतिरिक्त जिला जज राकेश कुमार ने उन 6 व्यक्तियों को दोषी पाया और 15 मई को इस मामले में उन्हें सजा सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद फादर अल्फोंसो आइंद को हिरासत में लिया गया था, जो मार्च से जमानत पर थे। आइंद को पिछले साल 19 जून को हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक बार फिर से बड़ी जीत मिली है। भारत की जगजीत पवाड़िया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का दोबारा सदस्य चुना गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चीन के हाओ वेई को हराकर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में पहले राउंड की वोटिंग में जगजीत पवाड़िया के पक्ष में 44 वोट पड़े। हालांकि इस चुनाव में जीतने के लिए सिर्फ 28 वोटों की ही जरूरत होती है।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के संजय झील पार्क के पास सुबह 2 मरी हुई गाय मिली, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। स्थानीय लोग गायों के शव देखकर गुस्से में आ गए। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती की गई है। इस मामले पर DCP ईस्ट का कहना है कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को स्थानीय लोगों से करीब सुबह 6 बजे सूचना मिली कि इस इलाके में 2 गायें मृत पड़ी हैं। संजय झील के आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। साल 2014 में त्रिलोकपुरी इलाके में सांप्रदायिक दंगे भी भड़के थे।